नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप सिंह। स्वागत है आपका आपके चैनल टेल ऑफ वंडर्स पे। आज की हम यात्रा में हम सफ़र करेंगे ताबो से लेकर काजा स्पीति वैली तक। तो अभी हम काजा के लिए निकल गए हैं। सुबह बारिश हुई है यहाँ पर, दो तीन दिन से बहुत लगातार बारिश हुई है। आप देख सकते हो फॉग भी है, बीच बीच में बारिश भी आ रही है। तो रोड काफ़ी ख़राब था, काफ़ी जगह बंद था। और दो दिन तक हम ट्राई करते रहे कि हम चले जाएं, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे थे। आप ये देख सकते हो यहाँ पर रास्ते में भी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऊपर से स्लाइड हो गया था पहाड़, तो उसकी वजह से रोड दो दिन तक ये बंद रहा। तो यहाँ पर भी मौसम काफ़ी अच्छा था, हम बीच में रुके थे स्टे के लिए। ये हाईवे है, ताबो टू काजा हाईवे है। जो दो दिन रास्ता बंद होने के बाद फाइनली आज रास्ता खुल गया है और अब हम जा रहे हैं काजा। ये आप देख सकते हो रास्ते के व्यू हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड बहुत ज़्यादा होती है, रास्ते तभी ब्लॉक हो जाते हैं। दलदल है, पहाड़ कच्चे पहाड़ हैं, थोड़ी सी बारिश होती है, नीचे सरक जाते हैं रोड के रोड, पहाड़ के पहाड़। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल कच्चे पहाड़ हैं, बिल्कुल सेफ नहीं है। आप ये पूरे ब्राउन मिट्टी के पहाड़ हैं। और अभी हम जाएंगे काजा, और आज का स्टे हमारा काजा में ही होगा। काजा में हम विजिट करेंगे, वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है वहाँ पर, स्पीति वैली मोनेस्ट्री है वहाँ पर, बुद्धा है वहाँ पर, बुद्धा की प्रतिमा है, और वहाँ पर की मोनेस्ट्री हम विजिट करेंगे। रात को हम लेट पहुँचे वहाँ पर। अब ये नेक्स्ट डे हम निकल गए हैं विजिट के लिए। सुबह होटल से चाय कॉफ़ी तैयार होकर हम निकल गए। पहले हम विजिट करेंगे पेट्रोल पंप पे। ये आप देख सकते हो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेट्रोल पंप है ये। इसका सी लेवल 12,270 फीट है, देख सकते हो। ये शानदार पेट्रोल पंप है, ये काजा में ही है। और पास में ये आप देख सकते हो ये स्पीति वैली मोनेस्ट्री है। आप ये देख सकते हो स्पीति मोनेस्ट्री, आप ये भी शानदार ब्यूटीफुल है। आप यहाँ पर फोटोशूट कर सकते हो, यहाँ का व्यू शानदार है। ये आप काजा मोनेस्ट्री स्पीति वैली में ही है ये पेट्रोल पंप, और ये मोनेस्ट्री आपको काजा में ही देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है वो हम जाएंगे, एक बुद्धा स्टेचू है, काफ़ी बड़ा आकार है, वो वैली में है, आगे 10 किलोमीटर आगे वैली है, स्पीति वैली। और ये आप देख सकते हो वैली का व्यू, काफ़ी शानदार वैली है ये। आप देख सकते हो ब्यूटीफुल वैली है, यहाँ के रोड और यहाँ का व्यू, यहाँ का मौसम काफ़ी शानदार मिलेगा आपको। उसके बाद हम पहुंचते हैं, ये बुद्धा स्टेचू है कि मूर्ति है, काफ़ी बड़ी है, ये स्पीति वैली में है। आप देख सकते हो बुद्धा स्टेचू इन काजा स्पीति वैली, ये काफ़ी बहुत बड़ी मूर्ति है। काफ़ी शानदार व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत स्थानों में से एक स्पीति घाटी घूमने के लिए एक बेहतरीन स्थान है। यहाँ अगर आपको कभी घूमने आना है तो आप मार्च से लेकर जून जुलाई में आ सकते हो। और अगर आपको सही मस्त, अगर आपको आइस देखनी है तो आपको आना होगा अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। स्पीति घूमने आने का मतलब है कि आपको एक एडवेंचर का जो फील होता है वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये एक बुद्धा स्टेचू है, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, ये तकरीबन 40 फीट का हाइट होगी इसकी। ये नीचे इसमें व्हील दिए हुए हैं जो बौद्ध धर्म में पवित्र माने गए हैं। इनको व्हील को आप घुमाना होता है आपको राउंड राउंड, और यहाँ पर ये लोग पूजा करते हैं। स्पीति वैली में आपको देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम जाएंगे की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री जो है वो स्पीति ज़िले में काजा से 13 किलोमीटर दूर है। की मोनेस्ट्री की स्थापना 13वीं सदी में हो गई थी, और यह स्पीति वैली का जो एरिया है, जिला है, उसमें सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। और दूर से देखने में ये ले में जो मोनेस्ट्री है ठीक से उसके जैसी आकार की आपको दिखाई देगी। इस मोनेस्ट्री का जो सी लेवल है समुंदर तल से इसकी ऊंचाई है वो 13,504 फीट है। की मोनेस्ट्री का आकार इतना बड़ा है कि यहाँ पर सैकड़ों लामा एक साथ
पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी जो विद्या होती है जो लामा बौद्ध धर्म में वो यहाँ पर प्राप्त करते हैं। इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, इनके जो रहन सहन खान पीन पढ़ाई स्टडी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इनको सिखाई जाती हैं, इनको पढ़ाई जाती हैं बताई जाती हैं। फिर ये लोग गर्मियों में यहाँ पर एक छम का एक अभिनय होता है वहाँ पर आर्केस्ट्रा में ये लोग हिस्सा लेते हैं। कभी आपको मौका मिले तो आप ये देखना, ये भी काफ़ी शानदार होता है। काजा से लेकर स्पीति वैली और आगे की मोनेस्ट्री तक का जो रास्ता है वो आपको लगेगा ही नहीं कि आप रास्ता तय कर रहे हो, आपको लगेगा कि आप घूम रहे हो, आप देख रहे हो आसपास इतनी ब्यूटी है, आपको वहाँ का वेदर, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल, आपको ऐसा लगेगा कि बस आप देखते रहो, यहाँ ही पर आप बस जाओ। और आप ये देख सकते हो सामने, ये है की मोनेस्ट्री जो आपको दिख रही आगे सामने पहाड़ पे, ये काफ़ी बड़ी मोनेस्ट्री है और ये स्पीति जिला डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे बड़ी मोनेस्ट्री की मोनेस्ट्री है। अभी तक मैंने देखा, मैं कितनी मोनेस्ट्री में गया हूँ, बौद्ध धर्म को देखा, इनके बारे में सुना है पढ़ा है। ये लोग काफ़ी शांति प्रिय होते हैं, शांति होते हैं, संतुष्ट होते हैं, ये किसी चीज़ के हायतों पर नहीं मचाते, शांत होते हैं, खुश रहते हैं। अगर आपको किसी को मोनेस्ट्री में रुकना हो या कुछ यहाँ पर कुछ देखना हो, इन लोगों के बारे में जानना हो, तो यहाँ पर आप एक या दो महीने तक रह भी सकते हो। खाने का और इनका रहने का जो भी खर्चा आता हो आप इनको पे करके आप इजीली यहाँ पर स्टे कर सकते हो। की मोनेस्ट्री में लगभग 300 लामा रहते हैं जो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगर आपको भी कभी की मोनेस्ट्री घूमने आना है तो आप शिमला होकर आप काजा आप आ सकते हो और वाया मनाली होकर आप वापस जा सकते हो। अगर आपको बस से आना है तो आप दिल्ली ISBT से आप बस पकड़ सकते हो जो शाम चलती है और वो आपको शिमला तक पहुंचाएगी, और शिमला में शाम के 6:30 बजे बस चलती है और वो सुबह 6 बजे आपको काजा पहुंचा देगी। स्पीति वैली में घूमने की वैसे तो बहुत सारी जगह हैं, आप वैली घूम सकते हो, आप की मोनेस्ट्री घूम सकते हो, यहाँ पे पेट्रोल पंप देख सकते हो, बहुत सारी मोनेस्ट्री आप वो घूम सकते हो, आसपास बहुत सारी जगह हैं वहाँ पर जा सकते हो। और इन सब में सबसे ज़्यादा फेमस है जो वो है की मोनेस्ट्री, क्योंकि यह स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है उसका सबसे बड़ा ये मठ। काफ़ी शानदार व्यू आपको यहाँ से आप देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो। और अभी हम पहुँचने वाले हैं, ये आप सामने देख रहे हो, ये स्पीति घाटी में स्थित की मोनेस्ट्री आपके सामने है आप, और यहाँ का व्यू देख सकते हो, क्लाउड भी बिल्कुल वाइट है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। इसको आप राजस्थान बोल सकते हो, ठंडा राजस्थान, जैसे राजस्थान तो गर्म होता है बट इसको ठंडा राजस्थान बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और ये काफ़ी शानदार मोनेस्ट्री है, आपको देख के लगेगा, आपके मन में एक शांति का आपको एक अनुभव होगा, यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये गेट है की मोनेस्ट्री का, की मोनेस्ट्री स्पीति वैली का ये एंट्रेंस गेट है, इस गेट से आपको अंदर जाना होगा। ये आप देख सकते हो, पीछे का व्यू देख सकते हो, आपको व्यू मोनेस्ट्री इतनी हाइट है कि आप ऊपर से देखोगे आपको पूरा स्पीति वैली आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि व्यू आप ये देख सकते हो, इसकी हाइट 13,504 फीट है समुंदर तल से, तो वहाँ से अगर आप चढ़ के इसका व्यू देखोगे तो काफ़ी शानदार होंगे। ये आप देख सकते हो स्पीति वैली जो एक की मोनेस्ट्री है उसके अंदर के व्यू, ये आप देख सकते हो अंदर मोनेस्ट्री के व्यू हैं, ये आपके सामने आप ये आप देख रहे हो, यहाँ पे जो लामा है उनकी प्रतिमा ये रखी हुई है, इन जिन लोग जो लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, यहाँ पर लोग शिक्षा लेते हैं, ये आप अंदर से मोनेस्ट्री की इनके रख रखाव, इनकी प्रतिमा, इनके धर्म गुरु, सब चीज़ें यहाँ पर अच्छे से सजाई हुई हैं, रखी हुई हैं, यहाँ पर प्रतिदिन इनकी साफ सफाई होती है, पूजा होती है। जो दलाई लामा आते हैं वो जब भी स्पीति वैली आते हैं तो की मोनेस्ट्री में ही रुकते हैं ज़्यादातर, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो लोगों को शिक्षा दी जाती है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि
बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है। यहाँ पर एक बार में 300 से 400 स्टूडेंट होते हैं जो शिक्षा लेते हैं, वो इसी मठ यानी मोनेस्ट्री में रहते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं, और उसके बाद फिर वो अलग अलग दिशाओं में, देश में, विदेशों में जाते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, लोगों को शांति का पाठ पढ़ाते हैं। ये आप देख सकते हो, ये बैक साइड का है की मोनेस्ट्री से, ऊपर से ये आपको देख सकते हो, पूरी आपकी घाटी आपको दिखाई दे रही है। ये आप देख सकते हो, ये स्पीति घाटी है, ये जो की मोनेस्ट्री है उसके ऊपर का व्यू है, और ये इसके बैक साइड 3 स्टैचू हैं बौद्ध के, मूर्तियां हैं ये, की गोम्पा की मोनेस्ट्री स्पीति वैली। यहाँ से आप स्पीति वैली का व्यू देख सकते हो। ये स्पीति वैली के जस्ट पीछे हैं, 500 मीटर तकरीबन आपको जाना होगा, गाड़ी से भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो। वहाँ पर ये आपको ये देख सकते हैं, आपको ये 3 स्टैचू आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आपको यहाँ पर स्थापित की हुई हैं। आकार इनका आप देख सकते हो, बहुत बड़ा है। यहाँ पर आपको व्यू आपको शानदार, ये मोनेस्ट्री आप देख सकते हो, काफ़ी शानदार ये आप व्यू आप देख सकते हो, आपको व्यू शानदार मिलेंगे। आप बस देखते रहो, मौसम अच्छा मिलेगा। और उसके बाद हम फिर यहाँ पर की मोनेस्ट्री के विजिट के बाद हम निकल पड़ते हैं वापस काजा के लिए, क्योंकि हमारा एक दिन का और अभी विजिट बचा है, वो हमें कल करना है। कहाँ करना है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, दिखाएंगे कि आपको हम कहाँ कहाँ और आपको स्पीति वैली में और विजिट करा सकते हैं। और ये आपको वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सजेशन कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। सो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।